अभी ये जो लॉकडाउन शुरू है और एवरीवन इज फेसिंग, एवरीवन इज एक्चुअली फाइटिंग, यू नो कि हमें कोरोना नहीं होना चाहिए, इसके लिए फाइट कर रहे हैं सब हम सब, तो इसमें इम्यूनिटी बूस्टर डाइट ऐसा कुछ होता है क्या, और क्या होना चाहिए ऐसा आप हमें बताएंगे? देखिए आरती जी, एज सच देर इज नो क्विक फिक्स डाइट फॉर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और ना ही कोई एक सिंगल सुपर फूड काम करेगा उस इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए. सी देर इज ए सिस्टम ऑलवेज, देर इज ए प्रोटोकॉल. इम्यूनिटी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको कुछ ब्रॉडर पॉइंट बता देती हूँ. जैसे कि आप डेली जो आपका फूड है, जो आपका बैलेंस डाइट है, हम बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, हम बैलेंस डाइट बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का राइट कॉम्बिनेशन. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इनका राइट कॉम्बिनेशन एज पर पर्सन लाइफ स्टाइल, एज पर पर्सन कल्चर, एज पर पर्सन फिजिकल एंड ब्लड पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. अब इसमें थोड़ा सा हम इसको और इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे विटामिन्स आते हैं, और विटामिन्स ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. तो ये विटामिन ए हमको जितनी भी लाल पीली और हरी रंग की वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा पपाया, पम्पकिन, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैप्सिकम, जितने भी बेल पेपर हैं, जितने भी कलर के, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है. तो आप ले सकते हैं वो डेली रूटीन में. फिर विटामिन ई आता है आपका, विटामिन ई आपके जितने भी इडिबल सीड्स हैं लाइक सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, मैश मेलन सीड, वाटरमेलन सीड, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड, आप उनको फिस्टफुल खाइए. आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्टैचू, आमंड्स, कैशू नट, वॉलनट, ये सारी चीजें, ये भी विटामिन ई से भरपूर हैं. फिर आता है आपका विटामिन सी. विटामिन सी सभी लोग जानते हैं सार फ्रूट्स में होता है. सार फ्रूट से ऊपर अगर हम आए तो हमको गुआवा में एंड आंवले में से ज्यादा होता है, एक पेरू में, एक अमरूद में, एक गुआवा में, चार संतरों के इक्विवेलेंट विटामिन सी होता है. तो कोशिश करिए कि आप जब विटामिन सी खा रहे हैं तो सही क्वांटिटी में और सही रिसोर्स उसका यूज करें. अभी फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. कच्चे आम में कच्चा कैरी खूब मिल रहा है, ग्रीन चटनी है, हरा धनिया पुदीना है, तो उसका एक चटनी बना लीजिए, दैट इज पैलेटेबल और बहुत टेस्टी आई शुड से. एक ग्रीन चटनी आपके फूड आइटम में अगर आप रखेंगे तो आपको विटामिन सी की मात्रा बराबर मिलती रहेगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन ए, ई एंड सी विच इज एंटीऑक्सीडेंट, देन आयरन सही मात्रा में आपने लेना है, बिकॉज इम्यूनिटी की जब बात चल रही है तो जो लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है उनको सबसे पहले खांसी, नजला, जुकाम, बुखार आता है. मतलब कहने का क्या हुआ, उनका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है, जल्दी से उनको इन्फेक्शन पकड़ता है. तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है वो ध्यान रखें कि अपने आयरन इनटेक पर काम करें. तो आयरन रिच चीजों पे आपने ध्यान देना है, आयरन रिच चीजें आपने खानी है, जैसे कि लोटस स्टेम हो गया, आपका कमल गट्टे की सब्जी हो गई, आपका कलौंजी हो गई, आपका ब्लैक तिल है, आपका पुलक है, आपका जैगरी है, डेट्स है, कुरमुरा है, भुना चना है. देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. बट ध्यान रखिए उस आयरन के साथ आपको विटामिन सी सही मात्रा में लेना है, जिससे विटामिन सी उसको फ्रेंड न्यूट्रिएंट की तरह उसको एब्जॉर्ब होने में सहायक होगा. तो जब भी आप कुछ खाते हैं, जैसे हम कैल्शियम खाते हैं तो विटामिन डी की सपोर्ट लगती है हमको, विटामिन डी जरूर खाना है हमें साथ में. ऐसे ही हम जब आयरन खा रहे हैं तो हमको विटामिन सी की सपोर्ट लगती है, इसे कहते हैं फ्रेंड न्यूट्रिएंट. हाँ सो फ्रेंड न्यूट्रिएंट का ध्यान रखिए. आप अगर कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आप अच्छे से खा पाएंगे और आपकी बॉडी भी एब्जॉर्ब करेगी. खाते तो हम बहुत कुछ हैं, बट हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है वो मेन काम होता है. दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन पावर इन न्यूट्रिशन साइंस लैंग्वेज. सो
ध्यान रखिए एंटीऑक्सीडेंट का, ध्यान रखिए आयरन का आपकी बॉडी के, ध्यान रखिए विटामिन डी का, ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन सही मात्रा में होना चाहिए, और आपके मेडिटेशन, इंडोर योगा, एक्सरसाइज, हाइजीन, ओरल हाइजीन, आपकी हैंड हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट. ओरल हाइजीन क्यों बोला मैंने, ओरल हाइजीन अगर आपकी रहेगी तो आपको टेस्ट पता लगेगा, टेस्ट पता लगेगा तो आपको चीजें सही तरीके से आप खा पाओगे, आपकी बॉडी संतुष्ट होगी, आप एक्सेसिव अननेसेसरी हंट नहीं करोगे खाने को, और खाना खाने के बावजूद आपको नहीं लगेगा मुझे कुछ थोड़ा सा खट्टा खाना है, थोड़ा सा तीखा खाना है, वो सब मन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा अगर आपकी टेस्ट बड्स को सही तरीके से आपने उनको टेस्ट दिया तो. सेकेंड थिंग, चबा के खाना है, क्योंकि अगर आप चबा के नहीं खाओगे तो वहीं से आपको एसिडिटी की कंप्लेन आएगी, और एसिडिटी अगर आती है तो उसमें आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप खाना सही तरीके से नहीं खा पाओगे. सो ध्यान रखिए हरी, वरी एंड करी. हरी मतलब जल्दी जल्दी नहीं खाना है, वरी मतलब चिंता से नहीं खाना है, एंड करी मतलब बहुत ज्यादा तेल और बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें बहुत नहीं खानी. थोड़ा बहुत किसी करेले भर में बना लिया, मिर्ची भरवा बना लिया, दैट इज ओके, दैट इज आप रोज नहीं खाने वाले हो, राइट. सो चीजें ऐसे रखो आप कि बैलेंस तरीके से आपकी टेस्ट बड भी सेटिस्फाई हो जाए, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सेटिस्फाई हो जाए, और आप भी खुश रहें. So nice. और अभी अभी आप ये भी बता ही रही थी, तो प्लीज पुट सम लाइट अपॉन दिस दैट विटामिन डी जो होता है. मैंने ऐसा कहीं सुना है कि सन ड्राइड चीजें जो होती है उसमें विटामिन डी मिल सकता है हमें, या हमें और कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए विटामिन डी लेने के लिए, बिकॉज और वो एब्सॉर्ब कैसे होगा. विटामिन डी पर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. इसके मैं पहले तो आपको फूड सोर्सेज बता देती हूँ. फूड सोर्सेज में आता है बटर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड एंड मिल्क, चीज, फिश, एग, एंड लास्ट में सनलाइट. तो चूंकि बहुत लोग फूड प्रोडक्ट में फैट से, चीज से, बटर से डरते हैं, सो काफी लोग, मैंने जो अपनी काउंसलिंग करी है उनमें काफी लोग बोलते हैं हम फैट तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और हमें जरा सा भी, मैंने अगर कुकिंग ऑयल यूज किया या प्योर घी, मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं यूज करूं. तो ये जो गलत धारणाएं हैं लोगों में, उसमें अगर मैं विटामिन डी के ये एग्जांपल बता रही हूँ तो हार्डली कोई इन सबको फॉलो करेगा. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि फैट हमारा फ्रेंड है, कि दीज आर द सोर्सेज फॉर विटामिन डी. अपार्ट फ्रॉम दीज फूड सोर्सेज वी हैव सनलाइट. सनलाइट में क्या होता है, जो उसका एंगल होता है और जो उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत मैटर करता है. क्योंकि आज मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो सही रेज हमारी बॉडी को टच नहीं कर पाती हैं. हम हार्डली कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, उसमें भी हम सीधे गाड़ी में बैठते हैं, और हार्डली हमारा चलना होता है धूप में. तो एक ये भी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है हमारे विटामिन डी का प्रोडक्शन होने में. सो मैं वैसे तो मैं सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट सिर्फ होते हैं हॉस्पिटलाइज कंडीशंस के लिए, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं लोग, या बहुत बुजुर्ग हैं जिनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं है, या कोई आईसीयू में है, या हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई छोटा बच्चा है जो खा नहीं सकता है ऐसी कंडीशन में. बट विटामिन डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो चाइल्डहुड टिल एल्डरहुड तक चलता है, और हमको लेना जरूरी है टाइम टू टाइम एज पर अवर डॉक्टर्स कंसल्टेशन. हमारे फिजिशियन जो हमको कंसल्ट करके हमारे सिम्टम देखते हैं और हम बताते हैं उनको, उसके बेस पे जो रिकमेंड करते हैं वो हमको लेना जरूरी है. तो ट्राई करिए, जब भी आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं वो आपको दूध या दही में जरूर लेना है, क्योंकि विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी अगर आप फैट के साथ खाएंगे. अब रही बात सन रेज की, सन रेज का मैंने आपको बताया है, गांव जैसी जगह में जहां पर बिल्डिंग्स नहीं है, कॉन्क्रीट जंगल्स नहीं है, कॉन्क्रीट चीजें नहीं है, बहुत खुला मैदान है, वहां पर सन रेज एक तो पॉल्यूशन में नहीं होंगी, दूसरा एंगल उनके सही बैठेंगे. तो विटामिन डी जो हमारी रिसर्चर्स बोलती हैं, जो रूरल एरियाज हैं उनमें कमी नहीं पाई गई है कंपैरेटिवली शहरों से, तो उसका रीजन आज हम सब जानते हैं क्या रीजन है.
और एक चीज और है मेलेनिन पिगमेंट, जिसमें बॉडी में ज्यादा होता है, जैसे जो बहुत ज्यादा डार्क कलर के लोग होते हैं, तो मेलेनिन पिगमेंट जो हमारे स्किन में होता है वो भी हिंडर करता है एब्जॉर्प्शन को. सो जो लोग डार्क स्किन के हैं उनकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी प्रोमिनेंट पाई जाती है. सो ध्यान रखें, जिनका डार्क स्किन बॉडी है तो वो सप्लीमेंट का ज्यादा ध्यान रखें और जितना हो सकता है लें. सो आप अगर विटामिन डी को सही तरीके से सही क्वांटिटी में खाएंगे तो मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, बैक पेन नहीं होगा, बॉडी में लिथार्जीनेस नहीं आएगी एंड आपकी बोन्स वीक नहीं होगी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और चूंकि लॉकडाउन चल रहा है इस समय तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मेंटल अलर्टनेस के लिए, हमारे बैक पेन के लिए, हमारी बोन के स्ट्रांगनेस के लिए हमको बहुत जरूरत है. तो ध्यान रखिए जो मैंने आपको फूड सोर्सेज विटामिन डी के बताए हैं, कोशिश करिए उनको खाना है, क्योंकि फैट आपका फ्रेंड है, एनिमी नहीं है. ये मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट कंज्यूम फैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट. सो आई थिंक विटामिन डी पर आपको समझ में आया होगा. मैं ये भी सुनना चाहूंगी आपसे कि ऑयल जो होता है, लोग डरते हैं कि क्या ये ऑयल अच्छा है, वो ऑयल अच्छा है, मैं कौन से ऑयल में मेरी सब्जी बनाऊं. कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं राइस ब्रान ऑयल आया है, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ट्रिपल फिल्टर है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं हम हमारे गांव से घानी से ऑयल बनाकर ला रहे हैं और खा रहे हैं. तो आप क्या बताना चाहोगी इसके ऊपर? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने जो अपनी काउंसलिंग में देखा है, लोग बहुत डरते हैं फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, कुकिंग ऑयल से एंड ड्राई फ्रूट से. जब दिवाली का सीजन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेरे घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट आए हैं, मैं क्या करूं, खाऊं कि नहीं. सो एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कुकिंग ऑयल एंड नट्स आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं. क्यों दोस्त है मैं आपको बताती हूँ, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब कर रखी है. सो वो 0 मिलीग्राम होना चाहिए, 200 मिलीग्राम भी क्यों, राइट? बिकॉज उसका आज भी हमारे शरीर में, हमारे बच्चे से लेकर हमारी बुढ़ापे तक, हमारी एल्डरहुड तक, हमारे शरीर में उसका काम है. बच्चों के सेल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है. तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल, बट ज्यादा नहीं लेना है, वहां हमको ध्यान रखना है. वो कैसे नहीं लेना है वो मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, फैट जो है क्या वहाँ उसमें टाइप्स है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल? हाँ, मैं सब बताती हूँ. हमारी जो फैट है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कोलोसिस्टोकाइनिन एक केमिकल होता है जो कि फैट स्टिमुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइन को, और जो हमारे फूड को कंट्रोल करता है, हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है. तो अगर आप फैट नहीं खाओगे तो वो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा. तो ये ऐसा नहीं है कि फैट हमको मोटापा ही देता है, मोटापा नहीं देता, फैट हमको हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन देता है. So, ये बात बहुत समझने की है कि सही क्वांटिटी एंड सही क्वालिटी हमारी बॉडी में एज पर हमारी बॉडी लाइफस्टाइल जानी चाहिए. मतलब क्या हुआ लाइफस्टाइल का, कि अगर आप कंपनी के सीईओ हैं तो आप सेडेंट्री वर्कर हैं, कार में ही बैठते हैं, कार में ही सोते हैं, सॉरी एसी में ही मूव करते हैं, एसी में ही रहते हैं और एसी में ही काम करते हैं. तो ये एक आपका बॉडी में ज्यादा मूवमेंट नहीं है. मॉडरेट वर्कर एक सेल्समैन जो दुनिया भर घूमता रहता है हैवी बैग लेकर, एक हैवी वर्कर जो कि मजदूर है जो धूप में 18 घंटे 12 घंटे फिजिकल काम करता है. तो ये लाइफस्टाइल, ये टाइप ऑफ बॉडी है जिसकी वजह से आपका उसका कंजम्पशन आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है. तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, नंबर वन. नंबर टू, फैट में दो टाइप होते हैं, इनविजिबल फैट, विजिबल फैट. विजिबल फैट कौन से होते हैं? जो आपको आंखों से दिखते हैं, लाइक आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, आपका बटर है, प्योर घी है, ये आपके विजिबल फैट हो गए. इनविजिबल फैट आपके ड्राई फ्रूट्स, नॉन वेज आइटम, आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आपके प्रोसेस्ड फूड, चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं, तो ये इनविजिबल फैट हो गया. तो यहाँ हमको सेग्रीगेशन मालूम होना चाहिए और हमको चूज करना है इसमें से. अब आती है बात कोलेस्ट्रॉल की.
कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया बहुत हेल्पिंग है. दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल को गुड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो फैट स्वीपर का काम करता है हमारी बॉडी में, और उसकी मात्रा होनी चाहिए 45 टू 60 मिलीग्राम पर डे. और अगर इससे कम है तो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट को निकाल के वो लीवर में नहीं डाल पाएगा और लीवर उसको हमारे स्टूल से बाहर नहीं कर पाएगा. इन शॉर्ट, गुड कोलेस्ट्रॉल इज हमारे हमारे बॉडी की फैट की बाई है. इट्स लाइक ए स्वीपर, इट्स एक्ट्स एज ए स्वीपर इन अवर बॉडी, जो हमारे एक्स्ट्रा फैट को निकाल कर हमारे स्टूल के थ्रू बाहर पास कर देता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. अब आता है बैड कोलेस्ट्रॉल. बैड तब तक बैड नहीं है जब तक आप उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नहीं खाते हैं. इसको कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इफ इट्स बिलो 90 इट्स नॉर्मल. इफ इट्स मोर देन 90, 100, 20, 100, 50, 200 आ गया, वहीं आपको तकलीफ आनी शुरू हो सकती है. तो उसको ऊपर मत जाने दीजिए, उसको एक नॉर्मल रेंज पे रखिए. तो क्या सही तरीके से खाएं जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे कंट्रोल में रहे. सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट में दो टाइप होते हैं, जिसमें कि आपका वेजिटेबल, आपका वनस्पति घी आ गया, आपका कोकोनट आ गया, कोकोनट चटनी आ गया, आपका मार्जरीन आ गया. फिर एनिमल फैट में आपके नॉनवेज आइटम आ गए, चिकन, पोल्ट्री, एग, फिश, रेड मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्योर घी, बटर, ये एनिमल प्रोडक्ट हो गए. अब ये जो आपका सैचुरेटेड फैट है उसके दो सेगमेंट है, वन इज अ प्लांट सोर्स, सेकेंड इज अ एनिमल सोर्स. अब आपको ध्यान देना है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ये बोलती है कि 7% ऑफ द टोटल कैलोरीज एक इंसान सैचुरेटेड फैट खा सकता है. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप चूज करिए कि आपको प्योर घी खाना है कि नॉन वेज आइटम खाना है. तो यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा. अगर आप नॉर्मल रेंज में है, आप ओवरवेट में है, आप ओबीज में है, नहीं, आपको थोड़ी थोड़ी उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी. सो ये आपकी चॉइस है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका फिजिकल एंड ब्लड पैरामीटर इसमें आता है कि आप ये चीज चूज करें और ये चीज ना करें. मैंने आपको दोनों प्रो एंड कॉन्स बता दिए. ये तो हो गई बात बैड कोलेस्ट्रॉल की. अब गुड कोलेस्ट्रॉल हम कैसे मेंटेन करें अपनी बॉडी में. गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमको अनसैचुरेटेड फैट खाना है. अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड. मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो होता है आपका राइस ब्रैन, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल, कैनोला. अब ये हमारे कुकिंग ऑयल में ही मिलता है म्यूफा, या ड्राई फ्रूट में मिलता है, जिसे मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं. दूसरा अनसैचुरेटेड टाइप है प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. वो हमको हमारे दाल चावल रोटी सब्जी में भी मिलता है, और सनफ्लावर सीड में, सैफ्लावर कर्डी ऑयल में, सोयाबीन में, कॉर्न में, कॉटन सीड में भी मिलता है. तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, प्यूफा आपको ऑलरेडी आपके दाल चावल रोटी सब्जी से मिल रहा है, तो इसको ज्यादा मत यूज करिए. म्यूफा आपको सिर्फ कुकिंग ऑयल एंड ड्राई फ्रूट से मिल रहा है. तो बेसिकली आपको अपनी किचन में ज्यादा यूज करना है म्यूफा बेस्ड ऑयल. ओके, एक ये कारण है. दूसरा कारण है, जब हम कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं तो तब वो धुआं देने लगता है. तो प्यूफा में एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि वो जल्दी धुआं देने लगता है. इसे कहते हैं लो स्मोकिंग पॉइंट. इस वजह से वो डिटोरेशन उसका जल्दी बढ़ जाता है. तो इस वजह से मैं आपको बोलूंगी कि प्यूफा ऑलरेडी आपको दाल चावल रोटी में मिल गया है, कभी आपको तिल तेल की सब्जी बनानी है, कभी आपको सनफ्लावर में बनानी है, कभी आपको सोयाबीन के तेल में बनानी है, बना लीजिए. बट रेगुलरली म्यूफा को यूज करिए, बिकॉज म्यूफा इज ए हाई स्मोकिंग पॉइंट ऑयल. जब आप बर्न करते हो तो वो जल्दी स्मोक नहीं देता है. It can sustain, it will not rinse it. So that is the reason आपको म्यूफा बेस्ड ऑयल ज्यादा लेनी है. और सेकेंड रीजन, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको. ड्राई फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, सैचुरेटेड फैट सब में होता है. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाई नहीं है, आप टैबलेट नहीं ले रहे हो और रेंज नॉर्मल आ रही है, तो फिस्ट फुल आलमंड्स, पिस्ता, कैशूनट, पीनट्स, वॉलनट, ये सारी चीजें मिक्स करके एक मुट्ठी खा लीजिए.
सब चीजें आपको म्यूफा प्यूफा बराबर में मिल जाएंगी। अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं और आपकी हिस्ट्री रही है मेडिकल हिस्ट्री हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपकी फिजिकल एंड ब्लड पैरामीटर के अकॉर्डिंग आलमंड्स एंड वॉलनट, क्योंकि आलमंड्स में आपको म्यूफा अच्छा मिलेगा और वॉलनट में आपको प्यूफा अच्छा मिलेगा। okay. तो इस तरह का राइट कॉम्बिनेशन आपका म्यूफा प्यूफा का आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट बताती हूँ, कुकिंग ऑयल को तो हम बर्न करते हैं, हम उसके बिना बर्न करे हम नहीं बना सकते। कुकिंग ऑयल को हम बर्न करते हैं, 3 teaspoons ऑयल पर डे पर पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड ईच वन। आप जितने फैमिली मेंबर्स हैं 3 into मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी पर डे की क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। आप कुकिंग ऑयल जरूर यूज करें। प्योर घी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको बर्न मत करिए, बटर आप यूज करें तो बर्न मत करिए। बर्न करते हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो गुड फैट से बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप प्योर घी यूज कर रहे हैं उसको पोर करिए खिचड़ी एंड दाल में, पराठे एंड रोटी में अप्लाई करिए, ना कि उसको आप बर्न करके यूज कर रहे हैं पाव भाजी में। ऐसे ही कोकोनट का मैं बताऊंगी, बहुत से कोंकणी खाने होते हैं जिनमें कोकोनट को बर्न किया जाता है, बट लेट मी टेल यू हमारे जो एंशियंट में हमारे जो प्राचीन में हमारे पूर्वज यूज करते थे वो उसको ग्रेट करके डालते थे, वो कुक नहीं करते। आज हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सब कुछ डाल ढूल के खत्म करते हैं। कोकोनट आप कच्चा खाइए और ग्रेट ऊपर से करके उसमें डालिए, बट बर्न मत होने दीजिए। Like in ghee, butter and coconut has very good fat. So, वो जो medium chain triglyceride good fat है वो बना रहेगा और आपकी body को shine and wrinkle free रखेगा। आप young look में रहेंगे, आप जल्दी aging process आपका stop होएगा, aging जल्दी नहीं आएगा। क्या बात है। अलग अलग तरीके के nutrients कैसे हैं, उनको balance कैसे रखना है, तो ये जो balance के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव नोट है बैलेंस का वो लेकर मुझे ऐसा लगता है कि हम अब ये यहाँ यहीं पे रुकना चाहेंगे। मुझे बहुत खेद हो रहा है लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कनेक्ट करना चाहूंगी आपसे, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं और आपके सब आगे चलकर सब फ्यूचर एंडेवर्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थैंक्स देना चाहूंगी नुपुर जी से एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस को भी। और नुपुर जी आपके साथ कुछ बोलना चाह रही है। धन्यवाद आरती जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और इतना ही बोलूंगी मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को कि खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, ये टाइम है निकल जाएगा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, सुख दुख दोनों ही पार्ट है लाइफ के, ये भी निकल जाएगा, चिंता मत करिए। ईट हेल्दी, live happy, stay at home, stay safe, stay healthy, stay happy. Namaste. क्या बात है, और आप भी stay safe and see you soon. Bye bye.